नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि पूरा मामला मेहनाजपुर थाना क्षेत्र का है। प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर वांछित अपराधी वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल के साथ बरवा मोड़ पर मौजूद थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने साथ अवैध असलाह लिए पलना रोड पर ग्राम डंडवल में गुरव गुप्ता के ट्यूबवेल के पास नहर पुलिया पर बैठा हुआ है, जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस बल को साथ लेकर मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो एक व्यक्ति नहर पुलिया पर बैठा था। पुलिस बल को अपनी तरफ आता देखकर उस व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर जानने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरीके से बचाव करते हुए अभियुक्त को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पर अपना नाम प्रद्युमन शर्मा अमिलिया थाना चंदवक जनपद जौनपुर बताया। मौके पर तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। भागने का कारण पूछे जाने में बताया कि मैं अपने साथ कट्टा कारतूस बराबर रखता हूं, साथ में लेकर चलता हूं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त प्रद्युमन शर्मा को जेल भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। थाना मेहनाजपुर पुलिस टीम से पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त प्रद्युमन शर्मा, जो कि बॉर्डर का जो थाना है जनपद जौनपुर का चंदवक उसका रहने वाला है, पकड़ा गया है। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और इसके पास से ये एक शातिर अपराधी है और इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे, जिसमें लूट के मुकदमे हैं, पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे हैं। इसके पास से चोरी लूट की वस्तुएं बरामद हुई हैं और ये बहुत शातिर बदमाश है। और जब इससे पूछताछ की गई तो ये इसके द्वारा बताया गया कि ये लूटपाट के इरादे से नहर की पुलिया पर बैठा था और पुलिस को देखकर इसके द्वारा बचाव के लिए फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा इसे पकड़ा गया, काउंटर फायरिंग में पकड़ा गया। ये शातिर अभियुक्त है, जेल भेजा जाएगा।